अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधुओं, गर्मी का मौसम खत्म हो गया है, बरसात का मौसम चालू हो गया है। बरसाती बीमारी जो है पशुओं में बहुत अधिक मात्रा में पकड़ती है। ये बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारी होता है पशुपालक भाई, संक्रमित बीमारी होता है, जैसे कि गलाघोटू, लंगड़ी, दो बीमारी किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम में आपकी मवेशी को ज़्यादा ग्रसित करता है। ये बीमारी का जो है प्रोटोजोअल कीड़ा है, जो कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, हवा के द्वारा उड़ करके पशु के चारा दाना पर चिपक जाता है या सांस के द्वारा पेट में चला जाता है, इसे बीमारी होता है। आज बताऊंगा किसान बंधुओं बरसाती बीमारी के विषय में, गलाघोटू बीमारी, जिसको देहात के लोग डकहा भी कहते हैं, डकरा भी कहते हैं, कोई एचएस कहता है, कोई गलाघोटू कहता है। किसान बंधु, इस बीमारी का लक्षण बता देता हूँ। इस बीमारी में आपके मवेशी में लक्षण क्या दिखाई देगा किसान बंधु? इसमें आपकी मवेशी का फीवर बढ़ जाएगा, 105-106 डिग्री फीवर हो जाएगा, पशु चारा दाना छोड़ देगी, पशु अस्वस्थ टाइप का महसूस करने लगेगी, उठने बैठने में थोड़ा देर तक बैठे रहेगी, हमेशा साल का रोआ जो खड़ा खड़ा हो जाएगा, मुंह से लार आने लगेगा, फेन आने लगेगा, गाज आने लगेगा। आप समझ जाइएगा पशुपालक भाई, हमारी मवेशी में बरसाती बीमारी गलाघोटू पकड़ लिया है। किसान बंधु, ये प्राथमिक आपको बता दें लक्षण दिखाई दे, फर्स्ट स्टेज का ये लक्षण दिखाई देगा। उसके बाद में दूसरे स्टेज में क्या होगा कि आपके मवेशी का गला में सूजन हो जाएगा, मुंह से घर घर का आवाज आने लगेगा, पशु चारा दाना छोड़ देगी, लार का मात्रा बढ़ जाएगा, पशु अस्वस्थ टाइप महसूस करने लगेगी। कुछ दिनों के बाद तीसरा स्टेज में आते आते पशु खाना दाना बिल्कुल बंद कर देगी। इसमें तो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज में थोड़ा बहुत खा देती है, लेकिन तीसरे स्टेज में खाना पीना स्वयं पूरा बंद कर देगी, पेट फूल जाएगा, पतला पैखाना होने लगेगा, ऐसा लक्षण दिखाएगा, फीवर हमेशा 104-105-106 तक हो जाएगा। पशुपालक भाई, इस बीमारी में आपको अनदेखा नहीं करना है। इस बीमारी का पहले बता देता हूँ प्राथमिक उपचार। इसमें मवेशी बहुत काफ़ी मरते हैं, आपकी गाय भैंस बछड़ा बछड़ी काफ़ी मात्रा में मरती है, इसको अनदेखा नहीं करना। प्राथमिक उपचार पहले आपको क्या करना है, प्राथमिक उपचार में जो बाहर से चारा दाना लाकर बरसाती घास काट कर मवेशी को खिलाते हैं, खिलाना बंद कर देना है। किसी दूसरे बाड़ में आपकी मवेशी चली गई है या वहाँ से आई है, उस बाड़ में बीमारी फैला है, तो आपके सारा बीमारी को, मवेशी को सारा बीमारी को रोग ग्रसित कर देगा। इसलिए पशुपालक भाई, आप लोगों को साफ सफाई पर अधिक ध्यान देना है, बाड़ को साफ सुथरा रखना है, आपकी मवेशी दूसरे के बाड़ में न जाए, या मवेशी आपकी खुल करके दूसरे मवेशी के संपर्क में सूंघे न, जाकर सूंघ लेगी या उसका चारा दाना, दूसरी चारा दाना जो है बीमार मवेशी है उसका खा लेगी, तो आपकी मवेशी बीमार हो जाएगी। पशुपालक भाई, पहले ये बता देता हूँ, ये आपको फर्स्ट स्टेज में काम करना है। आपको बरसात के मौसम में गंदा पानी नहीं पिलाना है, नाला का पानी नहीं पिलाना है, पोखरे तालाब का पानी नहीं पिलाना है, स्वच्छ जल चला करके चापाकल का पानी, कुआं का भी पानी नहीं आपको पिलाना है, स्वच्छ चापाकल का जल चलाइए पानी और तुरंत पिलाइए। कभी कभी आप लोग करते हैं पशुपालक भाई, ज़्यादा मवेशी रखे हैं, नाद बगल में नाद रखे हैं, हर नाद में पानी भर देते हैं और मवेशी दिन भर पानी पीती रहती है, ये आपको नहीं करना है। पशुपालक ही बरसात के मौसम में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके अच्छे अच्छे नस्ली गाय भैंस रखे हैं, बछड़ा बछड़ी है, आपकी मवेशी इस बीमारी में अगर ग्रसित हो जाएगी तो बचने का चांस 30-40% ही रहता है। फर्स्ट स्टेज में इलाज होगा तो बचेगी, नहीं इसका इलाज होगा तो मवेशी मर जाती है इसमें, इसलिए गला में सूजन हो जाएगा, सांस रुक जाएगा, आपके मवेशी मर जाएगी। पशुपालक भाई, आप लोग को चारा दाना पर रख रखाव पर विशेष ध्यान देना है। बाहर का जो चारा बताए हैं, घास काट कर नहीं खिलाना है, घर में पुआल का कुट्टी या भूसा रखे हैं उसी में चोकर खली दाना पशु आहार मिलाकर खिलाइए, स्वस्थ पानी पिलाइए, बाड़ को हमेशा फिनाइल के तेल से साफ रखिए, मच्छरदानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, बाड़ में मच्छरदानी लगा दीजिए कि हमारे आपकी मवेशी स्वस्थ रहे, नहीं तो मच्छर से भी बीमारी फैलेगा। अगर बीमार मवेशी को मच्छर काटा हुआ है, वो मच्छर आकर के आपके स्वस्थ मवेशी को काट देगा,
तब पर भी आपका बीमारी आपके मवेशी में फैल जाएगी। पशुपालक भाई, मच्छरदानी का बहुत प्रयोग करना है, आप केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक साधारण केमिकल बता देता हूँ पशुपालक भाई, आप लोग को एक केमिकल छिड़काव, आपको मशीन गटोर मशीन ले लेना है या स्प्रे वाला मशीन जो धान पर दवाई छिड़काता है उसको ले लेना है, उसमें किरासन तेल ले लेना है। किरासन तेल को 50 ग्राम या 100 ग्राम किसान किरासन तेल टंकी में डाल दीजिएगा और 4 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए पूरा दीवार में, जहाँ तहाँ खाने वाला जगह को छोड़ करके नीचे भी चारों तरफ दीवार पर स्प्रे कर दीजिएगा, इससे मच्छर भागते रहेंगे। आपको रोज स्प्रे कर दीजिए, एक बार मच्छर भाग जाएगा। पशुपालक भाई ये तो बता दिया आपको, ये रख रखाव करना है। अब घरेलू दवाई गलाघोंटू का बता रहा हूँ जो कि आपको कारगर है, रामबाण की तरह काम करेगा। ये दवाई हम आजमा कर देखे हैं, बहुत पशुपालक भाई को बता दिए हैं और इससे फायदा मिला है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पशुपालक भाई आपको क्या करना है, गाय का दूध मिल जाए तो अत्युत्तम है, बकरी का दूध मिल जाए तो अत्युत्तम है, और ये दोनों नहीं मिल पाए तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। दूध लेना कितना है, एक पौवा 250 ग्राम, 250 ग्राम, उसमें 25 ग्राम काली मिर्च, खाने वाला काली मिर्च को बारीक पीस करके मिला करके आपको पिला देना है। ये प्राथमिक उपचार बता रहा हूँ। और फीवर आपकी मवेशी में दिखाई दे रहा है तो उसमें फीवर का बहुत दवाई बताए हैं हम, होमपैथ में भी बताए हैं, अंग्रेजी दवाई भी बता देता हूँ। बीरबैग कंपनी का एमोक्सिरम बोलस आता है, बीरबैग कंपनी का एमोक्सिरम बोलस आपको ले लेना है। बॉडी मवेशी हो तो दो गोली, उसके साथ एक और दवाई देना है टैबलेट में, मेलोनेक्स प्लस टैबलेट आता है, मेलोनेक्स प्लस मेलोक्सिकम पैरासीटामोल का, दो बोलस एमोक्सिरम बोलस, दो बोलस मेलोनेक्स प्लस बोलस, दोनों को आपको तुरंत दे देना है बड़ी मवेशी को। छोटे मवेशी जिससे है बछड़ा बछड़ी है तो आप एक एक बोलस दोनों दीजिएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा, बुखार सामान्य हो जाएगा और बुखार को अनदेखा कर देंगे। बरसात के मौसम में आपकी मवेशी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसमें बारिश में भींज गई तो आपको लेना देना पड़ जाएगा, तुरंत गला में निमोनिया पकड़ लेगा, कफ पकड़ लेगा। इसलिए पशुपालक भाई आप लोग को रख रखाव में विशेष ध्यान देना है। ये आपको दो दवाई बोलस में बता दिए, एक आयुर्वेद दवाई बता दिए। आयुर्वेद में एक और दवाई बता देता हूँ, आयुर्वेद में आपको दूध ले लेना है बकरी का या गाय का दूध में 250 ग्राम में, उसके बाद 50 ग्राम फिटकरी, 50 ग्राम से कम फिटकरी बारीक बुक करके दूध में मिलाइएगा, नहीं तो फट जाएगा। दूध ढरकी के नाल पर रख दीजिए, ले लीजिएगा, उसमें फिटकरी बुक करके उसके मुंह पर रख करके पिला दीजिएगा। ये पिलाना कैसे है, वो भी दवाई पिलाना है दो बार, सुबह शाम दो बार देना है, मरीच और गाय का दूध वाला दो बार, ये भी दो बार देना है। बोलस को भी आपको जो बताए हैं बड़े मवेशी को सुबह शाम देना है, दो दो बोलस एमोक्सिरम, दो बोलस मेलोनेस, और छोटी जो मवेशी है बछड़ा बछड़ी उसको एक एक बोलस दोनों एमोक्सिरम बोलस और मेलोनेस प्लस को शाम में सुबह शाम देते रहिएगा दोनों बोलस को। आपकी मवेशी में एचएस गलाघोंटू रोग में बहुत दवाई काम करेगा। आपको जितना बताया रख रहा उस पर ध्यान दीजिएगा पशुपालक भाई। अगले बार फिर आऊँगा किसी पशु संबंधी बीमारी के विषय में बताता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।